नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का देश दुनिया के मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का दिया आदेश, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। उत्तराखंड के पुराला में 15 जून को हिंदुओं की होगी महापंचायत, ओवैसी ने रोक लगाने की मांग। जेल में आतिफ की दाढ़ी नोचने की वजह से संजीव जीवा का हुआ मर्डर, आरोपी ने किया कबूल। उत्तराखंड में हिंदू लड़की के अपहरण को लेकर मुस्लिम व्यापारियों ने किया पलायन, कपड़े के 42 साल पुराने कारोबार को रातों रात समेटा। दारुल उलूम देवबंद के मदरसे ने लव जिहाद पर फतवा देने से हिंदू संगठनों को किया इनकार। हरिद्वार में बाबा रोशन अली की दरगाह पर बीजेपी सरकार ने चलवाया बुलडोजर, विरोध में उतरे मुसलमान, रोड किया जाम। तो दोस्तों, सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का दिया आदेश, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। जय दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की सरकार ने चीन में मौजूद इकलौते भारतीय पत्रकार को भी इसी महीने देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके बाद अकेला भारतीय पत्रकार चीन छोड़ देगा। भारतीय मीडिया का बीजिंग में अब कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि इस साल के शुरुआत में 4 भारतीय पत्रकार चीन में काम कर रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स का एक रिपोर्टर पिछले हफ्ते चला गया। इस साल अप्रैल में चीन ने 2 भारतीय पत्रकारों का वीजा रिन्यू करने से मना कर दिया था। इनमें से एक पत्रकार प्रवास भारती का था और दूसरा द हिंदू अखबार का था। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने चीनी सरकारी मीडिया सिन्हुआ न्यूज एजेंसी और चाइना सेंट्रल टेलीविजन के 2 पत्रकार को वीजा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद चीन ने भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारत के सभी पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका चीन से माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड के पुराला में 15 जून को हिंदुओं की होगी महापंचायत, ओवैसी ने की रोक लगाने की मांग। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के पुराला में 15 जून को हिंदुओं की महापंचायत होनी है। इस हिंदू महापंचायत में उत्तरकाशी जनपद में बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर फैसला लिया जाएगा। अब AIMM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले में कूद पड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने 15 जून को पुराला में होने वाली हिंदुओं की महापंचायत पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग की है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वहां से पलायन कर गए लोगों को वापस बुलाने के इंतजाम किए जाएं। मामले में ओवैसी ने भाजपा सरकार को घेरा है। ओवैसी ने लिखा कि भाजपा सरकार गुनाहगारों को जेल भेजने का काम करे, जिससे जल्द अमन कायम हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल में आतिफ की दाढ़ी नोचने की वजह से संजीव जीवा को उतारा मौत के घाट, आरोपी ने कबूला। जब दोस्तों आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर और यूपी बीजेपी के कद्दावर नेता रहे द्विवेदी की हत्या के आरोपी संजीव जीवा की नखलू में हुई हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। संजीव जीवा की हत्या के आरोपी विजय यादव ने कबूलनामे में वो वजह बताई है, जिसकी वजह से ये हत्या को अंजाम दिया गया। संजीव जीवा की हत्या के आरोपी विजय यादव ने कबूलनामे में बताया है कि नेपाल में संजीव जीवा की हत्या की डील हुई थी। इस हत्या को एक कैदी आतिफ के भाई असलम के कहने पर अंजाम दिया गया। जीवा को मारने के लिए असलम ने 20 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी। दरअसल आपको बता दें कि संजीव जीवा ने नखलऊ की जेल में बंद असलम के भाई आतिफ की दाढ़ी नोची थी, इसलिए असलम ने भाई आतिफ की बेइज्जती का बदला लेने के लिए विजय को जीवा की सुपारी दी और उसके बदले में 20 लाख रुपए देने की डील की थी, जिसके बाद 7 जून को नखलऊ कचहरी में संजीव जीवा नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में हिंदू लड़की के अपहरण को लेकर मुस्लिम व्यापारियों ने किया पलायन, कपड़े के 42 साल पुराने कारोबार को समेटा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पिछले कुछ दिनों से सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल रहा है। माहौल इतना खराब हो चुका है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना कारोबार समेट कर रातों रात पलायन कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक कई मुस्लिम व्यापारी जिले के पुरौला इलाके से निकल चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने ऐसी किसी बात को नहीं बताया है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को करीब 42 साल से पुरौला में कपड़ों का व्यापार कर रहे शकील एंड संस व्यापारी को भी अपनी दुकान छोड़नी पड़ी। उन्होंने लगातार बिगड़ते माहौल और विरोध को देखते हुए देहरादून शिफ्ट करने का फैसला लिया है। पुरौला में कपड़े की दुकान चला रहे सलीम ने बताया है कि उनके पिता शकील 42 साल पहले पुरौला आए थे। उन्होंने यहाँ पर फड़ लगाकर दुकान लगाई थी और काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने अच्छी दुकान एक हासिल की।
थी और अच्छा कारोबार उनका चल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि बीते 26 मई को उत्तरकाशी जिले के पुरौला में हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के द्वारा अपहरण किए जाने के बाद यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने बवाल किया। उसके बाद मुस्लिम व्यापारियों ने अपना व्यापार समेट लिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए प्रियंका गांधी ने 5 घोषणाएं की। कांग्रेस पार्टी कर सकती है फिर से स्वीप अप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का संकेतनाथ करते हुए लोगों को 5 गारंटी दी और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही इन्हें पूरा करने का वादा भी किया। जबलपुर के शहीद स्मारक में आयोजित जनसभा में प्रियंका गांधी ने राज्य की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर हमले बोले और वर्तमान दौरे की राजनीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 18 साल से बीजेपी की सरकार है और उसने सिर्फ वादे और घोषणाएं करने का ही काम किया। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है, ये बीते 3 साल में सिर्फ 21 लोगों को ही सरकारी नौकरी दे चुके। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 1500 रुपये प्रत्येक महीना महिलाओं को दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 1000 रुपये में नहीं 500 रुपये मिलेगा। 100 यूनिट बिजली मुफ्त होगी, वहीं 200 यूनिट बिजली की आधी राशि देनी होगी और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा और किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आज दोस्तों की 5 घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में कर दी है, जिसके बाद भाजपा की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरिद्वार में बाबा रोशन अली की दरगाह पर चला बीजेपी सरकार का बुलडोजर। जो दोस्तों आपको बता दें कि हरिद्वार में सैयद बाबा रोशन अली की दरगाह पर बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया है। बीजेपी सरकार ने आरोप लगाया है कि सैयद बाबा रोशन अली की जो दरगाह है वो सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी हुई है, जिसे हटाया गया है। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर विरोध करने वालों को खदेड़ा। बाबा रोशन अली शाह की दरगाह पर यह बुलडोजर चला है, जिसका पूरे प्रदेश के मुसलमानों ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी कई मजारों पर बुलडोजर चल चुका है। बीजेपी सरकार लगातार उत्तराखंड में जितने ही मजार हैं उन सभी मजारों पर बुलडोजर चला रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हिंदूवादी संगठनों को दारुल उलूम देवबंद ने लव जिहाद के खिलाफ फतवा देने से किया इनकार। जो दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर के हिंदूवादी नेताओं को लव जिहाद पर फतवा देने से दारुल उलूम देवबंद ने इनकार कर दिया है। सहारन पुलिस की मध्यस्थता से की गई कोशिश भी हिंदू नेताओं के लिए नाकामी साबित हुई है। दारुल उलूम ने लव जिहाद पर बात करने से तक इनकार कर दिया है, जिसके बाद हिंदूवादी नेता वापस लौट आए हैं। हिंदूवादी नेताओं ने आरोप लगाया है कि दारुल उलूम देवबंद पूरे देश में लव जिहाद को समर्थन दे रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम युवकों को फंडिंग तक करने के भी आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड के बाद से देश भर में लव जिहाद को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्म है। साक्षी के कातिल साहिल के हाथ में बंधे कलावे के बाद तमाम हिंदूवादी नेता और संगठन लव जिहाद के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना और शिवसेना के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे पर देवबंद स्थित इस्लामिक मदरसे दारुल उलूम से फतवा लाने की कोशिश की थी, लेकिन दारुल उलूम देवबंद का जो मदरसा है उसने फतवा देने से साफ इनकार कर दिया। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गुजरात से टकराने जा रहा है दूसरा सबसे ताकतवर तूफान। जो दोस्तों आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान जो है देश में एक बार फिर से आने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात से दुनिया का सबसे ताकतवर तूफान टकराने वाला है और इसका असर बाकी राज्यों में भी पड़ेगा, जिसको लेकर बाकी राज्यों की भी चिंता बढ़ चुकी है। किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। आज हम खान के लिए अब पार्टी क्या एक्शन लेगी चुनाव से पहले? भाई अखिलेश यादव और सारी पार्टी उनके साथ है। बेल भी मिल गई है उनके बेटे को अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने। क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये अगर ये इन्होंने बहुत तरकीब से बहुत ये काम किया है कि सारा उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे? हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि
कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।